एक तालिब इलम है, वो सवाल कर रहे हैं कि रहमान और रहीम में क्या फर्क है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। रहमान और रहीम में क्या फर्क है? भाई साफ फर्क है, अल्फाज में जब फर्क है तो मानी में भी फर्क यकीन होगा। रहमान में जो है वो अल्फाज ज्यादा हैं, हरूफ ज्यादा हैं, रहीम में हरूफ कम है। रहमान में ज्यादा है, रहीम में कम है। तो उलमा ने लिखा है कि अल्फाज के अंदर, लफ्ज़ के अंदर हरूफ ज्यादा होना ये मानी के अंदर भी ज्यादती की अलामत होता है। तो रहमान में गोया कि रहमत ज्यादा है, रहीम में रहमत कम है, क्योंकि रहमान में जो हरूफ ज्यादा है। तो लिहाजा रहमान उस जात को कहते हैं जो मोमिन काफिर दोनों को नवाजता है। लिहाजा अल्लाह की शान यही है, मोमिन काफिर सबको दे रहा है, बल्कि अपने मुनकरों को भी दे रहा है ये रहमान। रहीम वो जात जो सिर्फ अपने मानने वालों को नवाजती है, यानी अहले इस्लाम जो उसके चाहने मानने वाले उन्हीं को नवाजती है, ये रहीम जात है। तो मानी के अंदर जो है ये कमी ज्यादती इस नौीय से हो गई, इसलिए रहमान रहीम में फ़र्क। और एक मतलब है कि रहमान फिर दुनिया, यानी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की रहमानियत की शान ज़ाहिर होती है दुनिया में। लिहाजा उस इसलिए यहाँ मोमिन काफिर सबको देता है। गुलिस्तान पे भी बारिश बरसती है और कूड़ा क्रिकेट भी बरसती है। अल्लाह की रहमत का नुजूल जो है वो नेमतें जो है वो मोमिन के कल्ब पे भी उतरती हैं, काफिर को भी मिलती हैं। वो अलग बात है कि चमनिस्तान के ऊपर जब बारिश बरसती है तो वहाँ खुशबू, फूलों की खुशबू और महक और रानाई फूटती है। जैसे मोमिन के दिल पे जब अल्लाह की नेमतें उतरती हैं तो वो उसके अंदर ईमान का नूर और फूटता है और खुशबू फैलती है। और रूढ़ी के ऊपर जब बारिश बरसती है उसका ताफुन और बदबू और बढ़ जाता है। ऐसी काफिर को जब अल्लाह नेमतें अता करते हैं तो क्या होता है, उसके रहमानी के नतीजे में उसके कुफर और शिरक में ताफुन बुदबू और बढ़ती है, लेकिन देता अल्लाह सबको है। तो दुनिया में अल्लाह रहमानियत की शान को जाहिर करते हैं और रहीमियत की शान आखरत में जाहिर होगी। आखरत में रहीमियत की शान जाहिर होगी सिर्फ ईमानने वालों पर। अहले ईमान को अल्लाह तबारक व ताला आखिरत में नवाजेंगे, वहाँ रहमानियत नहीं होगी, रहमानी की शान जाहिर नहीं होगी, क्योंकि वहाँ सिर्फ रहीमियत की शान जाहिर होगी अहले ईमान के लिए कि अल्लाह अहले ईमान को नवाजेंगे, क्योंकि वहाँ कुफार नवाजे नहीं जाएंगे, कुफार जाबते के मुताबिक जो है वो गिरफ्तार होंगे। ये फ़र्क है रहमान और रहीम में।